राजस्थान में मानसून अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सियासी मानसून भी अब दस्तक दे चुका है। राजस्थान में बेहद जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है। कई मंत्रियों की छुट्टी होगी तो कई नई चेहरों को जगह दी जाएगी। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में आखिर अशोक गहलोत के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये कि आखिर अशोक गहलोत की चलेगी या फिर आलाकमान। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो किन मंत्रियों की छुट्टी होना तय है और किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए, एक तरफ जहां राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां जोर पकड़ रही है, वहीं क्या गोविंद सिंह डोटासरा के पद से छुट्टी होने वाली है। इस वक्त डोटासरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद कहते दिख रहे हैं कि मैं 2-3 दिन का मेहमान हूँ। आप भी सुनिए। आप सोमवार को आ जाओ, हम एक मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना करा। वैसे शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात के संकेत दे दिए हैं कि उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होना तय है, लेकिन अकेले डोटासरा नहीं जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होने वाली है। इस लिस्ट में गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, गृह राज्य मंत्री भजनलाल जाटव और खाद्य मंत्री प्रमोद जैन भाया के साथ वन मंत्री सुखराम विश्नोई का नाम भी शामिल है। हालांकि भले ही मंत्रिमंडल की तारीख तय ना हो, लेकिन गहलोत की चली तो 1-2 मंत्री हटेंगे, लेकिन अगर पायलट गुट की मांग मानी जाती है तो 6-7 मंत्रियों की छुट्टी होना लगभग तय है। लेकिन ये तो आलाकमान के हाथ में होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में पायलट गुट के 3 और गहलोत गुट के 7 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पायलट गुट के ब्रजेंद्र रोला, मुरारी मीणा, दीपेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं गहलोत खेमे में महेश जोशी, राजकुमार, खिलाड़ी लाल, गोविंद राम, शकुंतला रावत, जितेंद्र सिंह शामिल हो सकते हैं। जहां मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की छुट्टी होना तय है, तो वहीं दूसरी ओर गहलोत खेमे के मंत्रियों में इस बात की चिंता है कि कहीं गद्दी ना चली जाए, क्योंकि इतना तय है कि राजस्थान में अब तैयारी मंत्रिमंडल की है, लेकिन चलेगी गहलोत की या फिर आलाकमान की, ये देखना ही दिलचस्प होगा। लेकिन छुट्टी किसकी होती है ये भी दिलचस्प होगा, और पायलट गुट के किन विधायकों की ताजपोशी होती है और सचिन पायलट को क्या सम्मान मिलता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।